सोलन जिला के दिव्यांग बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सोलन में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला सोलन के करीब 80 दिव्यांग बच्चों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपना हुनर दिखाया। युवा सेवा एवं खेल विभाग सोलन द्वारा सोलन में विशेष बच्चों के लिए एक दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला सोलन के करीब 80 विशेष खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। विभाग की इस तरह की प्रतियोगिताओं को करवाने का मुख्य उद्देश्य इन विशेष बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना रहता है, ताकि वे अपने आप को किसी से कम ना आंके और समाज के हर कार्यों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इस अवसर पर विशेष बच्चों ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिता में आकर उन्हें अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से उनका मनोबल बढ़ता है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है व साथ ही उनके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून पैदा होता है। मेरा नाम आकृति है और मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ और मैं यहाँ पे एक गेम में पार्टिसिपेट करने आई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ गेम्स खेलने आई हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके। तो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है कि वो भी कुछ लाइफ में आगे कर सकते हैं। मेरा नाम सोनू है, मैं रोशनी स्कूल से आई हुई। मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, खेलने आई हूँ। पहले भी गई हुई, केरला तक गई हुई मैं हॉकी खेलने। ना कैसा लगता आपको? बढ़िया लगेगा। जिला खेल अधिकारी गोवर्धन ठाकुर ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिता को करवाने का मुख्य उद्देश्य विशेष बच्चों को प्रोत्साहित करना है। आज जिला स्तरीय दिव्यांग बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 80 के करीब बच्चों ने भाग लिया। इसमें जो है दृष्टिहीन बच्चों के लिए रेसेस और जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उनके लिए, और इसमें जो जैसे बॉल थ्रो, बैडमिंटन, बॉची आदि खेल का आयोजन किया गया है। मेन मोटिव क्या रहता है आपका? जिन बच्चों को जो है खेल की ओर प्रोत्साहन करना होता है। पहले जो ये प्रतियोगिता होती है इसमें जिला स्तर पर ये प्रतियोगिता होती है, उसके बाद में राज्य स्तरीय के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय तक होते हैं। हमारा मकसद ये है कि बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ले जाना होता। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।